हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निजामुद्दीन मरकज में शामिल 5 जनों को जोधपुर में तलाश कर अस्पताल में कराया भर्ती। 5 में से 4 जनों की तबीयत खराब। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल 5 जनों को जोधपुर में तलाश कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरकज में शामिल कुछ लोगों के जोधपुर में होने की सूचना के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कल शाम से ही शहर में जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। इस दौरान प्रताप नगर क्षेत्र में 3 तथा बोरानाड़ा व बासनी क्षेत्र में 1-1 व्यक्ति मिला। इनमें से 4 जनों को खांसी, जुकाम, बुखार हो रखा है। इसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए एम्बुलेंस बुलाकर 5 को MDM अस्पताल पहुँचाया। शहर में कल से जारी तलाश अभियान के दौरान पुलिस को अलग अलग स्थान पर बने कुछ धर्म स्थलों पर कई लोग ऐसे मिले जो बाहर से यहां आए हुए हैं। इन सभी को पुलिस ने पाबंद कर उसी स्थान पर क्वारंटाइन कर दिया। वहीं मरकज में हिस्सा लेकर लौटे 5 जनों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कब और किस माध्यम से जोधपुर पहुंचे। इसके साथ ही जोधपुर में इनके विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से मिलने के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब शहर में इन लोगों की तलाश करने में जुटे चिकित्सा व पुलिस विभाग का काम काफी पेचीदा हो गया है। क्वारंटाइन में रखे जाने के भय से इनके संपर्क में आए कई लोग स्वयं पहल कर आगे आने से घबरा रहे हैं। जोधपुर में 2 और मामले कोरोना संक्रमित। एक जोधपुर का 65 वर्षीय व्यक्ति, दूसरी ईरान से लाई गई भारतीय महिला। शहर में बुधवार दोपहर को 2 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से एक 65 वर्षीय जोधपुर का नागरिक है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। इसके बावजूद उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से सभी चौंक उठे। इस तरह अब जोधपुर के 8 जने कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं ईरान से एयरलिफ्ट कर लाए गए 1036 भारतीय नागरिकों में से आज 61 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ईरान से लाए गए 17 भारतीय नागरिक पहले से पॉजिटिव हैं। इनमें से 9 जैसलमेर व 9 जोधपुर के वेलनेस सेंटर के हैं। शहर में बुधवार अपराह्न आई जांच रिपोर्ट से जोधपुर में एक 65 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन्होंने हाल ही के दिनों में कोई भी यात्रा नहीं की है। ऐसे में ये कोरोना संक्रमित की चपेट में कैसे आए, इसका पता लगाना डॉक्टरों के लिए चुनौती बन गया है। फिलहाल इसे MDM अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। 2 दिन में ईरान से लाए गए 1036 भारतीय नागरिकों में से 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज इनमें से 200 जनों के सैंपल जांच के लिए लाए गए। इनमें से जोधपुर के सेना के वेलनेस सेंटर में रहने वाली 61 वर्षीय एक महिला पॉजिटिव पाई गई। इस तरह अब तक 18 भारतीय नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इन सभी को एम्स जोधपुर में कर इलाज किया जा रहा है। जोधपुर में अब 8 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जोधपुर शहर में अब तक 2 महिलाएं सहित कुल 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 तुर्की से और 3 इंग्लैंड से लौटे हैं, जबकि मुंबई से जोधपुर तक की ट्रेन यात्रा के दौरान तुर्की से लौटने वाली पति पत्नी के संपर्क में आने से एक युवक भी संक्रमित हो गई। वहीं एक मामला आज सामने आया है। इसके अलावा दुबई से लौटा पाली का एक युवक भी जोधपुर में ही भर्ती है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।